आकाशवाणी पोर्टलेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने द्वीपों की अद्भुत जैव विविधता में संतुलन बनाए रखने की अपील की है। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीपों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया है। संघ शासित स्तर पर 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। अंडमान निकोबार पुलिस मरीन बोट की सहायता से 6 मछुआरों को बचाया गया और एमवी निकोबार आज विशाखापट्टनम जा रहा है, जबकि नानकौड़ी के आज दिन में पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। समाचारों के संघ में ज्योति लकड़ा के साथ मैं अशोक कुमार सिंह। मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने द्वीपों के नाजुक पर्यावरण को देखते हुए द्वीप समूह की अद्भुत जैव विविधता में संतुलन बनाए रखने की अपील की है। कल पोर्ट ब्लेयर में 60वें वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस द्वीप समूह का 94% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है, जो पूरे राष्ट्र के लिए एक अनमोल संपदा है। प्रधान मुख्य वनपाल शशि कुमार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की अपील करते हुए ग्लोबल वार्मिंग से बचने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने बताया कि द्वीप समूह में कुल 96 वन्य प्राणी अभयारण्य हैं तथा 9 राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं। प्रधान मुख्य वनपाल ने लोगों से वनों को साफ सुथरा रखने की अपील की और वनों के भीतर गंदगी न फैलाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी बांटे। सांसद विष्णुपद रे ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत द्वीप समूह में किए जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया है। कल पोर्ट ब्लेयर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 में केंद्र की ओर से सड़क निर्माण के कुल 18 कार्य द्वीप समूह को आवंटित किए गए थे, जिनमें से 6 कार्य ही पूरे किए जा सके हैं, जबकि 6 कार्यों पर काम अभी चल रहा है और अन्य 6 कार्यों को छोड़ दिया गया है। कार्यों में विलंब होने की वजह से इनमें लागत भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्य इस योजना के तहत 11 चरणों को पार कर चुके हैं, जबकि द्वीप समूह में पहले चरण का कार्य ही पूरा नहीं हो पाया है। अंडमान कॉलेज के बारे में बोलते हुए सांसद ने सुझाव दिया कि शोर पॉइंट में लगभग 20 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है, जहां कॉलेज का निर्माण कराया जा सकता है और यहां कॉलेज बनने से ग्रामीण इलाके में महाविद्यालय की मांग पूरी होगी। श्री राय ने आरोप लगाया कि स्लुइस गेट के निर्माण और समुद्र की धारा को रोकने के लिए जिला परिषद, अंडमान लोक निर्माण विभाग तथा कृषि विभाग की ओर से धनराशि का उचित उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने उपराज्यपाल से इस बारे में अनुरोध करते हुए कहा है कि समुद्री दीवार बनाने जैसे कार्यों में भी तेजी लाई जाए, क्योंकि पहले ही काफी समय बीत चुका है। महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाए जाने के सिलसिले में दिलानीपुर स्थित वाल्मीकि मंदिर की ओर से आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा शाम 4 बजे आरंभ होगी और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस मंदिर पहुंचेगी। कल दिन में 12 बजे से अन्नदानम की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कारोबारी हरिनारायण अरोड़ा के छोटे भाई श्याम सुंदर अरोड़ा का आज निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। शव यात्रा आज दिन में 11 बजे जंगली घाट स्थित इनके निवास स्थान से निकाली जाएगी। इनके देहांत पर सांसद विष्णुपद रे और उनकी पत्नी श्रीमती रूपा रे ने गहरा शोक प्रकट किया है। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद की ओर से किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए उप समितियों का गठन किया गया है।